नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है पूनम, 3 जून शनिवार के दिन दोपहर 11:16 से पूनम लग रही है, जो दूसरे दिन रविवार वाले दिन सुबह 9:11 तक रहने वाली है। ये उपाय आपको शनिवार की रात ही करना है। पूनम का जो व्रत है, ये धन वृद्धि के लिए है। जो लोग पूनम के दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो कभी निर्धन नहीं रहते। धन को कैसे बढ़ाना है, घर से गरीबी को कैसे हटाना है, इसका ये छोटा सा उपाय है, आज रात जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। आज रात तांबे के लोटे में जल ले लें। जल में 1 चुटकी चावल डाल दें, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, 1 रुपए का सिक्का डालें, थोड़ी सी मिश्री डाल दें। चंद्रदेव को घी का दिया अर्पित करें, अगरबत्ती अर्पित करें और ओम शोम शोमाय नमः मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को ये जल अर्पित करें। जल अर्पित कर देने के बाद थोड़ा सा जल बचा लें, जिसको आपको पूरे घर में छिड़कना है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में लेना है, ताकि आपके मन में जबरदस्त शांति हो, लाइफ में जितनी भी अशांत चीजें हैं वो दूर हो। और जो सिक्का है, उस सिक्के पर थोड़ी सी हल्दी लगा दे, लाल, हरे या पीले कपड़े में बांध करके, और कपड़ा अवेलेबल ना हो तो भी कोई बात नहीं है, उस पर आप हल्दी लगा दें। हल्दी लगा करके उस सिक्के को आप धन स्थान में रख दें। आज के दिन चंद्रदेव को अर्पित किया हुआ सिक्का तिजोरी में रखने से दोस्तों धन की वृद्धि होती है। सिक्के के साथ 3 हल्दी की गांठें भी रखें और 3 ही बार आपको बोलना है, ओम नमो महालक्ष्मी आगछ आगछ स्वाहा। यदि आप ये उपाय हर पूनम करने लग गए, घर में धन का ढेर लगेगा। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।